सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ गांधरुख नेपाल में। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू हाउ आई रीच्ड काठमांडू, सो आई एम ट्रैवलिंग हियर विद द नेपाल टूरिज्म बोर्ड। और काठमांडू से वी हैड अ फ्लाइट टू पोखरा, इट वॉज अ स्मॉल 1 hour फ्लाइट। एंड इफ यू नीड द व्यूज इन दैट फ्लाइट यू हैव टू सिट ऑन द राइट साइड। ओके, आई वॉज ऑन द लेफ्ट साइड सो आई मिस द व्यूज। बट इन पोखरा वी डिड नथिंग मच। We were given a beautiful property to stay at, और उसके बाद we had a bolero pickup, और bolero pickup में we reached Gandhrukh. It was a very bumpy ride. Like शुरू में तो it was a proper road, but बाद में it was back breaking. We reached Gandhrukh in the evening, like 3 बजे, और it was all cloudy, so the views were not there. But now you can see the peaks, like there's a fish tail and the other peaks. I'm not sure about the names. So yeah. It's about 7 in the morning, और एक आध घंटे में we'll be starting for our trek. So it will be a 6-day trek, और yeah, looking forward to it. So Mr. Gurung, yes please. तिम्रो घर राम्रो छ, तपाईको घर। Okay, so maybe you want to introduce yourself, what this property is about, what are you doing here? For the community, anything. Namaste. My name is Kisham Gurung. I'm the owner of Gurung Cottage, and it has been running last 24 years. And I was born here and grew up in Pokhara. Then I studied here. I've been abroad for a while. Then I've been back to my village last 24 years. And I'm very lucky guy because the land belongs to my parents. I got a free land. Then the building, my wife and myself, we did a building ourselves. Mm-hmm. Since then, I'm staying here, and I'm very happy because I work with the community, yeah. Mm-hmm. And right now, I'm very, very, very happy. I'm very happy. I'm a winner because when I was back here, and the people they thought I'm crazy, but right now, exactly. I'm very happy. Okay guys, so apart from Nepal Tourism Board, the other organization which is involved in this is ACAP. ACAP stands for Annapurna Conservation Area Project. So ye log, they have been working with the local people to conserve this area. Jaise ki naye trees lagana, unme awareness, education, or providing electricity so that the people don't, you know, use the forest wood. Trails banana, ye management bhi unhone kara hai. Today we started from Gandhrukh at 9:30. अभी 1:30 बज रहे हैं, तो 4 घंटे। We have reached a village called जीमू। तो जीमू पे अभी लंच के लिए रुके हुए हैं हम, और आज का मेरा स्टे होने वाला है छोमरोंग, जो कि 2 घंटे शायद और लगेंगे अभी। अभी तक का ट्रेल वॉज लाइक जस्ट नॉर्मल, नथिंग, ऐसा कोई बड़े अच्छे व्यूज़ नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर वन सस्पेंशन ब्रिज जहाँ पे हमने बहुत टाइम ख़राब करा, बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए हैं। तो या दैट वाज और कोई हाईलाइट नहीं था पूरे ट्रेल में। अभी देखते हैं आगे व्हाट वी गेट। और एक स्पेशल थिंग जो यहाँ पे है कि यू हैव विलेजेस अलोंग द वे, तो मतलब कुछ भी लेना आपको, लॉजिंग या एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, अनलाइक द इंडियन हिमालयस। इंडिया में यू हैव टू कैरी योर ओन स्टफ़, नो? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ABC तक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हर एक गाँव में यू कैन स्टे, यू कैन हैव फूड, एवरीथिंग। सो या तो यार अभी आपको मिलवाते हैं हम सरोज भाई से, जो कि हमारे गाइड हैं एक ऐप से। तो सरोज भाई, आप कितने से रह रहे हैं यहाँ पे? 1 year। 1 साल हो गया आपको। लाइफ कैसी है? मस्त है? मस्त बोले, जहाँ भी मस्त है। आप अच्छा से काम करिएगा तो जहाँ भी मस्त होगा। आप पे डिपेंड पड़ता है आप किस तरह से उसको, लाइफ को ले रहे। हाँ नहीं, मतलब जैसे मौसम वगैरह यहाँ पे पूरे साल भर से जाता है, ठंड कितनी रहती है यहाँ पर? कभी काल माइनस में भी जाता है 2-3। अभी फिलहाल जिस जगह है उस जगह तो 3-4-5 भी माइनस में जाता है।
अच्छा ओके अभी हम जिस जगह जा रहे हैं मतलब इतनी ठंड नहीं रहती है इतनी ठंड सही है ओके ओके जिस जगह जा रहा है उस जगह भी एक दो माइनस हो गया उसे जाना नहीं होगा ओके एबीसी ओके और क्या लग रहा है आपको हमारे टीम के बाकी मेंबर्स पहुंच पाएंगे वो आज लग रहा है जिस तरह से वो ट्रेकिंग कर रहे हैं उस तरह से तो नहीं लग रहा है कि पहुंच पाएंगे जहां तक हम लोग का मिशन है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर भी होप है लेके जाएंगे खींच के लेके जाएंगे ओके तो ढाई घंटे के बाद पहुंच गए हम चोमरुंग चोमरुंग में एक्सीलेंट व्यू ये वाला ऑन ही रहता है मैंने तो दूसरा लगाया नहीं माइक इनफ डिस्ट्रैक्शंस सो हम पहुंच गए हैं चोमरुंग वो चली गई तो हम पहुंच गए चोमरुंग ढाई घंटे लग गए हमें आने में मतलब मोस्टली रास्ता आफ्टर द लंच ब्रेक इट वाज ऑल स्टेप्स तो सही था अभी यहाँ पे हम रुके हैं एक्सीलेंट व्यू टॉप लॉज में काफ़ी सही है काफ़ी सही व्यू है तो जस्ट वेटिंग कि सुबह हो और वो सब क्लाउड्स हटें और हमें एक मस्त सा व्यू दिखे तो आज हम क्या खा रहे हैं पिज्जा आज हम पिज्जा खा रहे हैं आज हम हॉट पिज्जा खा रहे हैं हॉट पिज्जा यार हम ना मतलब क्या बोलते हैं दाल भात नो डाउट काफ़ी सही है उसमें कुछ साग भी होता है और चटनी भी होती है लेकिन अब तीन चार बार खा लिए तो अब बस बहुत हो गया अभी आज कुछ और खाएंगे सो हियर इन नेपाल जो हमारा पूरा ट्रैक चलेगा विल बी स्टेइंग इन लाइक गुड कोजी रूम ऐसा नहीं कैंपिंग करनी पड़ेगी या कुछ तो यू कैन सी लाइक वी हैव प्रॉपर बेड्स रूम विद बालकनी एंड कल की प्रॉपर्टी में तो वी इवन हैड अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम आज इट्स अ शेयर्ड वन बट स्टिल लाइक यू नो एक्सपेक्टिंग इट ऑन अ ट्रैक तो मतलब यही डिफरेंस है अपने इंडियन हिमालयन ट्रैक्स में और इधर अन्नपूर्णा मैंने सुना है कि नेपाल में ऑलमोस्ट ऑल दी ट्रैक्स आर लाइक लग्जरी ट्रैक्स गुड मॉर्निंग सो यार आज हमारा प्लान है हिमालय जाने का तो इट्स अ लॉन्ग वे सो वी स्टार्ट अर्ली इट्स 6:30 वही अभी ब्रेकफास्ट लेने लगे हैं लेकिन हम उठे थे व्यू देखने के लिए तो मैं वैसे तो उठा था 5 बजे तक थोड़ा अंधेरा था लाइक विद द स्टार्स आई कुड सी दोस टू पीक्स लाइक माचा पिछूरे एंड द अन्नपूर्णा साउथ लेकिन अभी इट्स ऑल क्लाउड्स अगेन तो या नो व्यूज़ तो क्लाउड्स का मतलब है कि आज का दिन थोड़ा ठंडा रहेगा कोई धूप नहीं होगी सो वी हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू दैट बारिश भी हो सकती है सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल तो अभी ब्रेकफास्ट करके वी हैव टू स्टार्ट घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं बैम्बू जो भी बोलना है तो सुबह हमने शुरू किया था चोमरुंग से पहले नीचे आना पड़ा रिवर साइड पर एक ब्रिज था फिर ऊपर चढ़े और फिर वी हैड टी ब्रेक वो जगह अच्छी थी उसका नाम था सेनवा अपर सेनवा पर हमने टी ब्रेक ली एक चाय वाय पी और उसके बाद मतलब उससे पहले इट वॉज़ ऑल धूप मतलब सुबह बादल थे तो मैंने इनर विनर पहन लिया लेकिन अब जब चले चोमरुंग से तो थोड़ी धूप निकल आई गर्मी से बुरे हाल थे फिर हम पहुँचे सेनवा अपर सेनवा उसके बाद से जो आगे के 2 घंटे थे इट वॉज़ ऑल इन द शेड आई वॉज़ लविंग इट
मतलब ऐसा जंगल सा और लाइक यू नो थोड़ी थोड़ी हवा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है ऐसे वाला था, एंड इट वाज जस्ट फ्लैट. लेकिन फिर हम अभी आके हम फिर नीचे उतरे हैं, तो एक्चुअली में जो बैम्बू है वो चोमरुंग से भी नीचे है. इसकी हाइट कुछ 2100 मीटर है, तो ये चोमरुंग से भी नीचे है. बाकी तो ऐसे ही ट्रैक चल रहा है, ऊपर नीचे. बाकी हमारे नेत्र शर्मा जी आ गए हैं, वो बताएंगे कि ऐसे ऊपर नीचे क्यों है भाई ट्रैक. शर्मा जी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये कैसे ऐसे क्यों बनाया है ट्रैक, ऊपर नीचे. इधर आइए पहले. हाँ पहले तो बता देते हैं कि जो बैठिए, तो हम पहले तो हमारे पास हमारे साथ सरोज यादव जी थे, कल मिलाया था मैंने आपको. अभी उन्हें कुछ काम पड़ गया तो अभी हमारे साथ नेत्र शर्मा जी जा रहे हैं आगे तक. तो आप बताइए कि ये ट्रैक ऐसे ऊपर नीचे क्यों है, क्यों तक आ रहे हैं हमें बार बार ऊपर चढ़ा के फिर नीचे उतार देते हैं. नहीं ये जो पहाड़ और हिमाल है ना, ये हिमाल को हिमाल ज़्यादा सा चट्टान से बनते हैं. हाँ जी वो चट्टान से बनते हैं, इसलिए ऊपर से रास्ता निकलने के मुमकिन नहीं है, इसलिए उतार चढ़ाव होता है. ओके. तो संभव होता है उसी ऐसा जगह पर तू सही लगाया है रास्ता, संभव है उसको फ्लैट कर कर रास्ता बनाया है, लेकिन जहाँ पे संभव नहीं है ये उतार चढ़ाव तो होता ही है. मतलब ऐसे नहीं कि तंग करने के लिए नहीं बनाया. हाँ, संभव ही नहीं था. संभव ही नहीं था. हिमालय की ऊंचाई अभी यहाँ से 500-700 मीटर ज्यादा है. हाँ जरूर उतना अभी काफी चढ़ना है. तो अभी हम पहले तो यहाँ कहाँ की कहावत है कि दाल भात पावर 24 आवर, तो अभी दाल भात खाएंगे और फिर हमें आ जाएगी पावर. हाँ तो वो चढ़ जाएंगे एकदम से. जरूर यार हम तो 4 दिन से ही खा रहे हैं, मैं दिखा पहली बार रहा हूँ दाल भात पावर. सो दाल चावल सम सब्जी थोड़ा सा साग जो यहीं पे उगाते हैं और थोड़ा सा अचार पापड़, और ये एड ऑन है कस्टमाइज करा है हमने, अंडा वंडा डालवा दिया है. तो टाइम टू हैव सम पावर. हाँ जी तो आइए आपको एक जो यहाँ पे हमारे स्टे होते हैं उनको बोलते हैं टी हाउसेस, उसका टूर कराते हैं. तो जैसे ये तो रूम्स हो गए, और रूम के अंदर यू विल गेट प्रॉपर बेडिंग्स एंड एवरीथिंग. ओके सो रूम्स के बाद अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में, किचन में और डाइनिंग एरिया में. तो ये हमारा पूरा चार्जिंग का जुगाड़, बैटरी चार्ज कॉस्ट यू 100 रुपीस, वाईफाई 300, हीटर, तो ये सब जगह पे इतने रहता है. और ये थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए जगह. तो जैसे ये रास्ते में बने हुए हैं, जैसे ये रास्ता उधर से आ रहा है और ये रास्ता आगे जा रहा है, तो या ऑन द वे. सो यू गेट कंफर्टेबल बेड्स, वाईफाई, हॉट शावर्स, फूड ऑफ योर चॉइस ऑल अलोंग द ट्रैक, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाई नेपाल इज़ डूइंग बेटर देन इंडिया इन ट्रैकिंग टूरिज्म. एनीवेज थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था तो वी स्टेड बैक इन बैम्बू. अगले एपिसोड में वील कंटिन्यू आवर जर्नी टू द अन्नपूर्णा बेस कैंप. So make sure you subscribe, press the bell icon and follow me on Instagram for real-time updates. I will see you in the next video. Goodbye.